एनआईएस बोर्ड से जो बच्चे अक्टूबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे टीएमए के मार्क्स कब तक मिलेंगे, पीसीपी क्लासेस अगर नहीं हुई तो क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, फाइल कैसे बनाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमें कहां से मिलेंगे जिसके लिए हम थ्योरी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज के बारे में जानने वाले हैं, सो दैट वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। और हां, एनआईएस बोर्ड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, कैसे, इस वीडियो को शेयर करके। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएमए के मार्क्स के बारे में। तो देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके टीएमए के मार्क्स अभी तक उनको नहीं मिले हैं। अगर मैं बात करूं टीएमए की, तो टीएमए काफी सारे बच्चों ने बना करके सबमिट किए थे। जिन बच्चों ने शुरू में सबमिट किए थे उनके लगभग सभी बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं टीएमए के। फिर भी अगर अभी कुछ बच्चे रह रहे हैं जिनके मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा वेट करें, लगभग 15 सितंबर तक सभी बच्चों के टीएमए के मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में जाके अपने टीएमए के मार्क्स को। अब बात कर लेते हैं आपकी पीसीपी क्लासेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको काफी बार बताया है कि पीसीपी क्लासेस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का 50% मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन आप जब फाइल सबमिट करोगे, आपका रिटर्न एग्जाम वाइवा होगा, तो 50% मार्क्स आपको उसके मिलेंगे, लेकिन 50% मार्क्स आपके होंगे पीसीपी क्लासेस के। अब पीसीपी क्लासेस काफी सारे बच्चों की लग रही हैं, काफी सारे बच्चों की नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, आप अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के वहां पर पता कर सकते हैं। अगर आपकी पीसीपी क्लासेस लग रही हैं तो आपको अटेंड जरूर करनी है, और अगर नहीं लग रही तो फिर आप टेंशन मत ले, क्योंकि आपके जो स्टडी सेंटर वाले होते हैं वो आपके मार्क्स खुद ही लगा करके भेज देते हैं, ठीक है। तो 5 पीसीपी क्लासेस कंपलसरी होती हैं, अटेंड करनी अगर हो रही हैं तो आप उनको जरूर अटेंड करना। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे कब होंगे, ये डाउट सबसे ज्यादा आ रहा है बच्चों का। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके लगभग सितंबर के लास्ट में जाकर के कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, उस पर आपको डेट्स भी मेंशन होंगी, आपके सब्जेक्ट कोड के साथ मेंशन होंगे, आपका एग्जाम सेंटर भी बता दिया जाएगा कि भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम वहां पर होने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जिन सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट्स की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके रखनी है। प्रैक्टिकल फाइल जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपकी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट होगी बाय हैंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बनाना है, उसको डेकोरेट करना है अच्छे तरीके से, और उसके अंदर से ही आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। क्योंकि जब आप बाय हैंड अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करेंगे ना प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन, तो उस दिन आपका वहां पर एक रिटर्न एग्जाम होता है, इसके अलावा वाइवा होता है। अब ये रिटर्न एग्जाम और वाइवा दोनों ही चीजें आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर से ही आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आप जो है जो भी आप टॉपिक बना रहे हैं उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं उनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं। ज्यादा टफ लेवल के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते ना आपको दिए जाते, हल्के फुल्के क्वेश्चन से आपको दिए जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा ताकि प्रैक्टिकल डे के दिन आप जो है प्रिपेयर रहे, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका सभी सब्जेक्ट में नहीं होता, जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है उन्हीं की आपको फाइल बनानी है। अगर फाइल बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल की हेल्प भी ले सकते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिकल फाइल के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। अपडेटेड है जो अक्टूबर 24 एग्जाम के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भी आपको अपनी स्टडी भी करनी है, क्योंकि बीच में जस्ट आपका सितंबर ही बच रहा है, तो अगर आप चाहें तो हमारी हैंड रिटन रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल की सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे जो राइटर्स होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल को लिखते हैं, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, फिर उनको जो है डेकोरेट करके जितने एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना उतने एक्सपेरिमेंट जो है हम उसमें आपको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है, एनआईएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही, और आपके घर तक उसको पहुंचा दिया जाता है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं आप घर बैठे अपनी प्रैक्टिकल फाइल हमसे मंगवा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से और अपनी फाइल बनवा करके आप अपने घर मंगवा सकते हैं। ये तो हो गई प्रैक्टिकल फाइल की बात, कि भी प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जिस दिन होगा आपकी फाइल सबमिट होगी, आपका रिटर्न एग्जाम होगा और आपका वाइवा होगा, तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना करके जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं देखो आपके थ्योरी एग्जाम की। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारी जो थ्योरी एग्जाम की डेट शीट है वो कब तक आएगी, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग अपनी जो है प्रिपरेशन कर पाए कि भी किस सब्जेक्ट का एग्जाम हमारा कब है। देखो, जो बच्चे अक्टूबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनकी थ्योरी एग्जाम की जो डेट शीट है वो किसी भी टाइम अभी आ सकती है आपकी, ठीक है। तो अगस्त के लास्ट में, सितंबर के स्टार्टिंग में आपकी डेट शीट डिक्लेयर की जा सकती है। तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, तो देखो जो आपका जो है अप्रैल 2024 से पहले का एग्जाम का पैटर्न था ना वो जो है बिल्कुल अलग था। उसमें आपका क्वेश्चन पेपर का अलग पैटर्न तरीके से पूछा जाता था। अप्रैल 2024 से आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके पूरे पेपर के पैटर्न में काफी चेंजेस किए गए हैं। तो उसमें आपको जो है टू पार्ट्स में पेपर डिवाइड करके दिया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका टोटल जो है वो यू नो ऑब्जेक्टिव होगा,
जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। पार्ट बी आपका होगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपको आंसर्स को डिस्क्राइब करके लिखना है। तो ये जो आपका अप्रैल 2024 का प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर हम इसको कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपको NIS की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जाएंगे, आप लिखेंगे गूगल पर NIS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रैल 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो वहाँ पर आपको अब मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि पेपर का आपका पैटर्न क्या है। इसके अलावा आपको जो है वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो दो तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सैंपल पेपर देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि भी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे करने हैं, या फिर आप प्रीवियस डाउनलोड करके उसमें भी अपने पेपर का पैटर्न देख सकते हो और समझ सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आगे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ें जिनसे हमें अच्छा स्कोर करने को मिले। तो देखो, हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। इवन अप्रैल के सेशन में भी हमने बच्चों को काफी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज जो है लॉन्च की थी, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और नई वीडियोस भी आपके लिए आने वाली हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट की हमें तैयारी करवाइए और इस सब्जेक्ट की जो है वीडियोस लेकर के आइए। बाकी जो आप देखेंगे, जो पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे हैं अक्टूबर 2024 वाले, उनके पेपर के पैटर्न को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको 40% सिलेबस जो है नहीं पढ़ना, क्योंकि वो टीएमए के पोर्शन में रखा गया है, तो ये चैप्टर्स आपके टीएमए में आ गए, ठीक है। और जो 60% सिलेबस है वो है आपके थ्योरी एग्जाम का। तो ये जो थ्योरी के चैप्टर है ना, वो आप जो है देख सकते हैं, केवल उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। चैप्टर्स आपके वही हैं, कुछ ही सब्जेक्ट का सिलेबस आपका चेंज हुआ है। क्लास 12th के 5 सब्जेक्ट का सिलेबस आपका चेंज हुआ है, जैसे कि हिंदी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और पेंटिंग। तो ये सब्जेक्ट का सिलेबस आपका चेंज हुआ है 12th क्लास का। क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं और उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। अगर आपको जो है गाइड्स लेनी है, आप जो है चाहते हैं आपको पूरा सॉल्यूशन गाइड में मिल जाए, तो गाइड के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी गाइड बेस्ट रहेगी वो हम आपको बताते हैं। इवन आपको उन गाइड्स पर 20% का डिस्काउंट भी देते हैं। तो आप भारत के किसी कोने में रहते हैं, आप घर बैठे अपनी गाइड्स भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो काफी अफोर्डेबल हैं। उनकी डेमो वीडियोस देख करके आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको प्रैक्टिकल के, टीएमए के, इन सभी के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाती है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी आपके मन में पीसीपी क्लासेस, प्रैक्टिकल एग्जाम, टीएमए के मार्क्स, थ्योरी एग्जाम, कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपना सब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि हां आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए। इसके अलावा आपको टीएमए के मार्क्स अभी तक मिले हैं या नहीं मिले वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।